अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 राज्यों के 6 जगहों पर किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? ए लाइट हाउस प्रोजेक्ट, बी व्हाइट हाउस प्रोजेक्ट, सी हरियाली प्रोजेक्ट या डी हरित क्रांति प्रोजेक्ट। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 9708994194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर नगर निगम परिसर में विदाई समारोह का आयोजन। भागलपुर नगर निगम की निवर्तमान नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के तबादले के बाद भागलपुर के नगर निगम परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम के सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षद मौजूद थे। नगर आयुक्त के विदाई समारोह में एक और आगंतुक अतिथियों ने जहां उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना की, वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नगर आयुक्त ने भागलपुर में बिताए गए समय को अपने जीवन का सबसे सफल समय बताया। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर के नगर आयुक्त का तबादला अरवल के जिलाधिकारी के रूप में हो चुका है। जब मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया 2 दिन पहले, 10 मिनट में हम सोचा कि 1.5 साल कैसे हो गया, क्योंकि हमको लग रहा है कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया था और चार्ज ले लिया, और 1.5 साल हमको लग रहा है बहुत फास्टली हमको बुक हो गया। लेकिन ये 1.5 साल में जो हमारा लर्निंग्स हैं भागलपुर नगर निगम में, वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। हम यूजुअली IAS ऑफिसर्स का एक चेन होते हैं, जैसे पहले प्रोबेशनर, उसके बाद SDM, फिर BDC, उसके बाद DMship या सेक्रेटेरिएट में हम लोग का पोस्टिंग्स होते हैं। लेकिन हम लोग का और मेरे लिए एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और नया एक्सपीरियंस नगर निगम में हमको मिला। एंड भागलपुर ऐसे इतने बड़े नगर निकाय को हमको चार्ज दिया था, तो पहले दिन से हमको ये लगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमको अभी भी याद है बहुत सिचुएशन उतना ठीक नहीं था, बहुत चैलेंजेस रहा, और सिस्टम को थोड़ा छोटा मोटा चेंज करने के लिए हम लोग प्रयास किया। एंड 1.5 साल में अगर आज हमको थोड़ा भी सेटिस्फेक्शन है हमने कुछ किया, इसका मतलब जो भी लोग हैं इधर, जो भी नगर निगम का एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे परिवार हैं नगर निगम का, एक एक पर्सन का रोल है उसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम की जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर से मेरे बॉडीगार्ड से मेरे कर्मचारी से सफाई कर्मचारी से उपनगर आयुक्त, सभी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। बीच में हम लोग 2020 में कोरोना इतने बड़ा डिजास्टर हम लोग ने देखा, उस समय एक भी व्यक्ति नहीं बैठा घर में, सारे हमारे जोनल्स था, कर्मचारी था। एक स्पेशल मेंशन हम ये बोलना चाहती हूँ, बहुत स्पेशल मेंशन है सत्येंद्र वर्मा जी जो हमारे डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, इन्होंने एकदम राउंड में था, जो 1-2 महीने का हमारे पीक में हुआ, हम लोग बहुत प्रयास किया, इन्होंने बहुत उसमें, उनका स्वास्थ्य भी बीच में ठीक नहीं था, फिर भी वो मेहनत करके बहुत बढ़िया काम किया, तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स आपको देना चाहती हूँ। दुख का है तो दूसरे तरफ हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैडम नए वर्ष में
एक जिला अधिकारी के रूप में अरवल जा रही हैं। हमको दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको खुशी इस बात में है कि मैडम जिलाधिकारी बन के जा रही हैं, इसलिए वह दुख जो है हम लोगों के जो खुशी है उससे थोड़ा थक जाता है। यदि मैडम ऐसे जाती तो हमको थोड़ा और ज़्यादा तकलीफ होता, लेकिन मैडम चूँकि जिलाधिकारी के रूप में जा रही हैं, नए चैलेंज को स्वीकार करने के लिए जा रही हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वह जिलाधिकारी का पद होता है, और उस पद को सुशोभित करने के लिए मैडम जा रही हैं। और मैडम के लिए यह नववर्ष तो बिल्कुल ही खुशी का है कि मैडम को नए वर्ष के तोहफा के रूप में जिलाधिकारी का पद मिला है, क्योंकि जिला पदाधिकारी बनना मैडम का लाजमी था। चूंकि जिस दिन ज्वाइंट सेक्रेटरी स्केल में मैडम का प्रमोशन हुआ था, मैडम से मैं जब बात करता था तो बोलती थी कि अरे हमको कहीं हो जाएगा, हमको कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को कामना थी कि मैडम जिलाधिकारी के रूप में रहें। और जस्ट एक दिन पहले मैं और प्रफुल्ल जी मैडम के यहाँ गया था, तो मैं इसी शब्द को कह रहा था कि मैडम हो सकता है इस बार आपका लॉट आया और आप लोग जिला पदाधिकारी बने। मैडम जिला पदाधिकारी बनी है, इसलिए हमको बहुत ही खुशी है। मैं व्यक्तिगत रूप से अति खुश हूँ। मुझे नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर में नववर्ष के साथ कोरोना के अंत की भी हुई शुरुआत। भागलपुर में नववर्ष के आगाज के साथ साथ कोरोना के अंत की भी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के टीके की मंजूरी मिल चुकी है। भागलपुर को इसी महीने वैक्सीन आपूर्ति करने की संभावना है। इसको लेकर तैयारी युद्ध स्तर से जारी है। वैक्सीन के रखरखाव के लिए फ्रीजर की आपूर्ति हो चुकी है। फ्रीजर को सदर अस्पताल में रखा गया है। वैक्सीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्राई रन शुरू हो चुका है। पहले चरण में जिले में 11,204 स्वास्थ्य कर्मचारी को टीके लगाए जाएंगे। इनमें से सरकारी कर्मचारी 9,875 और निजी अस्पतालों के कर्मचारी की संख्या 1,329 है। वहीं दूसरे चरण में आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता व 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग को वैक्सीन दी जाएगी। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की संख्या तकरीबन 5,000 से अधिक बताई जा रही है। वहीं बीमार लोगों को भी वैक्सीन पहले ही दी जाएगी, जिसको लेकर जिले में 145 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लोगों को देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन के लिए कह दिया गया है। ड्राई रन का मतलब होता है कि आप उसका ये कर लें, प्रमोशंस कैसे देंगे, क्या तरीका है उसका, जो प्रैक्टिकल्स होता है, जो इंट्रोडक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ड्राई रन, कि कैसे आप पेशेंट को रिसीव करेंगे, कहाँ बैठाएंगे, कैसे कर देंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में उसको रखेंगे। शायद अगर वैक्सीन देने से कहीं किसी को दिक्कत ना हो जाए तो अगले 30 मिनट तक हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो 3 अलग अलग कमरे बनाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा, देखा जाएगा कि उनको कोई बुखार है या नहीं है। अगर उनको फीवर नहीं है तो उनको हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। दूसरा कमरा वैक्सीन का होगा और तीसरा कमरा जो होगा वो ऑब्जर्वेशन रूम होगा। ये तीनों के लिए है। हमारे पास तो सीरम इंस्टीट्यूट वालों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा हमारे फाइजर के वैक्सीन तो यहाँ नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड जेनेटिका वाले जो है, वो एस्ट्राजेनेसिया ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है, उसमें भी हमें पता चला है कि वो भी वैक्सीन उपलब्धता भारत में हो रही है। तो जो भी इसमें है, भारत इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, सारे वैक्सीन हमारे पास, कोविशील्ड, कोविस्किन, ये सारे लोग सब वैक्सीन हमारे लगभग आने वाले हैं, और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। लिस्ट बन चुका है, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर की सारी लिस्ट हम लोग पिछले 1 महीने पहले ही सबमिट कर चुके हैं। सबके पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इनके बेस बना लिए गए हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 करोड़ लोगों को, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, जितने भी लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं कोविड का, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिन लोगों को कोविड हो चुके हैं उन लोगों को 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, और 90 दिन जिनके हो गए हैं उनके एंटीबॉडीज लेवल देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम लोग सीधा उनको वैक्सीन दे सकते हैं। ढोलबज्जा कदवा में आयोजित 3 दिवसीय रामधुन महायज्ञ का हुआ समापन। नवगछिया प्रखंड के खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर परिसर में बीते शुक्रवार को आयोजित 3 दिवसीय श्री श्री 108 रामधुन संकीर्तन महायज्ञ रविवार को संपन्न हो गया। यज्ञ समापन के पहले 300 कन्याओं द्वारा
जल भरकर स्थापित की गई कलश को सभी कन्याओं द्वारा मंदिर परिसर में गाजे बाजे के साथ घुमाकर खैरपुर के कोसी धार में पंडित शंभुजा व रवि मिश्रा के द्वारा वेदोच्चारण करवाकर विसर्जन किया गया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया बकरी को लेकर हुए विवाद में भैंसुर ने कर दी महिला की हत्या। बकरी को लेकर हुए मामली विवाद में नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के फरदपुर में एक भैंसुर ने अपने ही भाई की पत्नी को लाठी से प्रहार कर हत्या कर दिया। मृतिका दिलीप मंडल की पत्नी अभिलाषा कुमारी 30 वर्षीय है। जानकारी मिली है कि सर पर लाठी से प्रहार किए जाने के बाद अभिलाषा गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद अभिलाषा के भैंसुर ने ही उसे इलाज के लिए भागलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अभिलाषा की मौत हो गई। मामले की सूचना प्रवक्ता पुलिस को मिलते ही पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया, फिर देर शाम तक परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले को लेकर प्राथमिकी प्रवक्ता थाने में दर्ज कर ली गई है, जिसमें मृतका के भैंसुर अशोक मंडल, उनकी पत्नी गीता देवी एवं एक अन्य को नामजद किया गया है। नवगछिया जिला कार्य समिति की बैठक के लिए किया गया समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 13 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला कार्य समिति बैठक की तैयारी के लिए विचार विमर्श किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रोफेसर भोला कुंवर, जिला महामंत्री अरविंद चौधरी, आलोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, राजेश, जिला मंत्री मुकेश राणा, अजीत पटेल, वीरेंद्र दास, जिला प्रवक्ता सत्यनारायण झा, जिला कोषाध्यक्ष आलोक रंजन सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। बिहपुर भमरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में सुंदरकांड का हुआ पाठ। दुर्गा मंदिर परिसर भमरपुर में रविवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ आकाशवाणी कलाकार सह भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र उर्फ दीपक जी के सानिध्य में हुआ। वहीं उन्होंने मौके पर बताया कि इसकी प्रेरणा महिला सत्संग मंडल सह सखी सहेली मंडल के माध्यम से मिली, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण श्रद्धालु नव युवक सेवा समिति के सदस्य माताओं बहनों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में रही। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होकर सनातन संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था का अनुपम उदाहरण पेश किया। नवगछिया के तितरी गांव से नौवीं कक्षा की छात्रा लापता, परिजनों को अपहरण की आशंका। नवगछिया थाना क्षेत्र के तितरी गांव से नौवीं कक्षा की एक छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता है। परिजनों ने मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कराई है। परिजनों ने कहा कि छात्रा 29 दिसंबर को तितरी पकड़ा उच्च विद्यालय पढ़ने गई थी, लेकिन आज तक वह वापस नहीं लौटी है। परिजनों को छात्रा का अपहरण कर लिए जाने की आशंका है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नवगछिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार के राज्यपाल रहे दलित नेता बूटा सिंह के निधन पर लतीफा का धरारा स्थित गोपालपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री सिंह ने इस मौके पर कहा कि स्वर्गीय बूटा सिंह के निधन से पार्टी व देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। मौके पर राजा कुमार सिंह, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद अकबर अली, मोहम्मद इरशाद अली, विनोद मंडल, वकील मिस्त्री, विनय कुमार सिंह, जीतो
कुमार व घनश्याम मंडल वगैरह की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया, परबत्ता से लापता बच्ची का शव बरामद। परबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली जगतपुर के पास गंगा नदी के धार में लापता 3 वर्षीय सृष्टि का शव रविवार शाम को मिला। स्थानीय लोगों ने शव मिले की जानकारी परबत्ता पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। लापता बच्ची के परिजन ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 को 3 वर्षीय सृष्टि गांव से लापता हो गई थी, जिसकी जानकारी लिखित तौर से परबत्ता थाने में दी गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का अता पता नहीं चल पाया। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्ची माँ के साथ गई थी। लापता होने की सूचना पर पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही थी। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से 2 घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी जसवंत सिंह के 13 वर्षीय पुत्र संगम कुमार और मक्का तकिया निवासी भोला प्रसाद शाह के पुत्र रोहित कुमार 17 वर्षीय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने, नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंत नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।